तीसरे टेस्ट में जडेजा और सुंदर ने किया कीवियों का हाल बेहाल। तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने की वापसी जोरदार। हाँ, भारतीय टीम ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला हार चुकी है। तीसरा टेस्ट मुकाबला वो मान और सम्मान की लड़ाई के लिए खेल रहे हैं। तीसरा टेस्ट मुकाबला वो WTC फाइनल में बने रहने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि भैया यहां पर अगर वो हारे तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। और जो भारतीय टीम का समीकरण इस श्रृंखला से पहले सबसे आसान, सबसे सटीक और ये माना जा रहा था कि भारतीय टीम इस बार तो WTC फाइनल एक बार फिर खेलने वाली है, वो 2 मैच हार कर WTC फाइनल की रेस से भी बाहर होने के कगार पर खड़े हुए हैं। तो यहां पर तीसरा टेस्ट मुकाबला रोहित शर्मा के लिए, कोच गंभीर के लिए आन बान और शान की लड़ाई तो थी, वहीं भारतीय टीम के लिए WTC फाइनल में पहुंचने के लिए उम्मीद की किरण जगाने वाली लड़ाई थी। तो यहां पर बात करें पहले दिन की, तो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने अनएक्सपेक्टेड नोट, जिस तरीके का हम अपने भारतीय स्पिनरों से भारतीय पिचों पर उम्मीद करते हैं प्रदर्शन का, वैसा प्रदर्शन किया। रविंद्र जडेजा ने खास तौर पे इंप्रेस किया। पहला टेस्ट मुकाबला अगर हम बात करें तो जडेजा की काफी साधारण गेंदबाजी आती है, वहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी वो फीके साबित होते हैं पहली पारी में, और आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में कम इज द मैन वाली परफॉर्मेंस आई है रविंद्र जडेजा द्वारा। सख्त जरूरत थी, सख्त दरकार थी उनके इस प्रदर्शन की, और उन्होंने फाइफर लेकर भारतीय टीम की पहले दिन इज्जत बचाई है। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि विल यंग और डेरी मिसल जैसे खिलाड़ी फिर से भारतीय टीम के लिए संकट बनकर उभरेंगे, लेकिन संकट मोचक बनकर रविंद्र जडेजा उभरे और बेहतरीन फाइफर लेकर भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले, तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड टीम ऑल आउट हो चुकी है। 235 रन उन्होंने बनाए हैं 65.4 ओवर में। उनके तरफ से मात्र 2 बल्लेबाज रहे, दोनों ने बेहतरीन अर्शत की पारी खेली। हालांकि दूसरे एंड से इन दोनों बल्लेबाजों को कोई साथी नहीं मिला, जिस कारण से कीवी टीम 235 रन पर धाराशायी हो चुकी है। विलियंग ने 71 रन बनाए 138 गेंदों पर, 4 चौके और 2 छक्के जड़ा। वहीं डेरी मिशेल की बात करें तो उन्होंने 82 रन 129 गेंदों पर, 3 चौके और 3 छक्के जड़े, और बाकी के जो बल्लेबाज रहे सब फीके साबित हुए। वहां पर अगर हम भारतीय टीम के गेंदबाजों की स्पेल की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का छाप देखने को मिला। सुंदर ने 18.4 ओवर में 81 रन देकर 4 विकेट निकाले। रविंद्र जडेजा ने 22 ओवर में 65 रन देकर 5 विकेट। अश्विन विकेटलेस गए, वहीं आकाशदीप के नाम 1 विकेट रहा। अगर हम विकेटों की बात करें तो लैथम का शिकार बनाया सुंदर ने, कॉनवे को आकाशदीप ने, विलियम को रविंद्र जडेजा ने, रचिन रविंद्र को सुंदर ने, डेरी मिशेल को सुंदर ने, टॉम ब्लंडेल को जडेजा ने, ग्लेन फिलिप्स को जडेजा ने, ईशोरी को जडेजा ने, मैट हेनरी को जडेजा ने, एजाज पटेल को सुंदर ने। ये पूरा पहली पारी का सिलसिला रहा न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजों का, और यहाँ पर देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो छाप छोड़ा है भारतीय स्पिनरों ने, मात्र 235 रनों पर आउट किया है। हालांकि ये पिच बल्लेबाजों की मुफीद मानी जा रही है, तो भारतीय अब बल्लेबाजों से उम्मीद है कि बड़ी पारियां खेलें, क्योंकि यहां पर अगर वो बड़ी पारी खेलेंगे तो भारतीय टीम एडवांटेज में आएगी, क्योंकि चौथा दिन चौथी पारी भारतीय टीम को खेलना पड़ सकता है यहां पर, और कठिन हो सकती है वहां की स्थितियां, वहां की परिस्थितियां। तो भारतीय बल्लेबाज यही चाहेंगे कि बड़ी लीड लिया जाए और चौथी पारी में बल्लेबाजी करने की नौबत ही ना आए, आए भी तो छोटी मोटी तरीके से आए, बड़े तरीके से ना आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी कर पाएगी, मुकाबला जीत पाएगी, मुकाबला अपने नाम कर पाएगी या नहीं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।